और ये हमारे यहाँ पे देखो चाची आ गई है, तो चाची बताएगी कि, और यहाँ पे देखिए अब ये जो है हमारी बुआरी जी यहाँ पे जो है खुद ट्रैक्टर से हल लगा रही हैं। ये देखो इधर अब इसमें ना बड़े बड़े हो गए, तो उसको हम जो बचपन में जब छोटे थे उस टाइम पे इसको वैसे भी बहुत खाते थे, और इसके साथ में ना और सब्जियां भी दो तीन सब्जियां हैं जो खाई गई थी उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे, और ऐसा नहीं कि हमने उस टाइम पे इनकी सब्जियां मजबूरी में खाई कोई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका यूट्यूब जायरी गांव चैनल में एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ में। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों मैं अभी आया हूँ खेतों की तरफ क्योंकि धान बुआई का समय आ गया है हमारे पहाड़ों में फिर से, तो धान बुआई हो रहा है। बहुत दिन से, एक हफ्ता 10 दिन करीब बहुत बारिश पड़ी थी जिस वजह से इस बार लेट हो गया है, तो 3-4 दिन अच्छी धूप लगी जिससे अब खेत बूतने लायक हो गए हैं, इनमें धान बुआई करने लायक हो गया। मैंने अभी इससे पहले जो दिखाया होगा आपको बैलों से हल लगाते हुए दिखाया होगा, क्योंकि अब हमारे पहाड़ों में ट्रैक्टर एक छोटी सी मशीन है, उसको ट्रैक्टर ही बोल रहे हैं, ट्रैक्टर ही नाम से उसको बेच रहे हैं, तो उस ट्रैक्टर से हल लगाते हुए दिखाता हूँ आज आपको। और यहाँ पर देखिए अब ये जो है हमारी बुआरी जी यहाँ पर जो है खुद ट्रैक्टर से हल लगा रही हैं, बहुत बढ़िया। और ये मशीन चलाना कोई मजाक बात नहीं है भाई साहब, बहुत धक 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 हिलता रहता है इससे जो है, और वो बढ़िया करके लगा रहे हैं उससे देखिए। तो अब यहाँ पे भाई ट्रैक्टरों से हल तो लग ही रहा था, पहले यहाँ पे सतपाल भाई ट्रैक्टरों से हल लगा रहे थे, और इधर की तरफ अब देखो भाई साहब के बैल भी आ गए यहाँ पे। तो अब मैं इनसे पूछता हूँ कि ट्रैक्टर वर्सेस बैल हो गया ये, तो मैं दोनों लोगों से पूछूंगा कि मतलब कैसे कैसे ट्रैक्टर से बढ़िया हल लगता है या बैलों से हल अच्छा लगता है, दोनों लोगों का एक्सपीरियंस पूछूंगा मैं कौन सी चीज़ ठीक रहती है। और ये हमारे यहाँ पे देखो चाची आ गई है, तो चाची बताएगी कि मतलब बैल से ठीक हल लगता है या मतलब ढिको फोनो मतलब तुम तो काम तो ढिको फोन और तो हम लगवा तो जन बताओ चाची की मतलब यो जो ढिका फोन मतलब ये ट्रैक्टर हो में बढ़िया होना तुम या हो में बढ़िया होना ट्रैक्टर। तो चाची बता रही है कि ट्रैक्टरों में एक तो ढिक्के नहीं आ रहे और इन्होंने फोड़ने में भी वो नहीं हो रहा है, ज्यादा बड़े ढिक्के कष्ट नहीं हो रहा है, आराम से मतलब खाली इनको हिला रहे और उससे ही हो जा रहा है। हाँ तो बहुत बढ़िया है, आराम ही है। ये हमारी चाची जी बहुत मेहनती चाची जी है, आपने मतलब मेरी पहली जो पुरानी वीडियो है घास वास काटने वाली उन्होंने देखा ही होगा कि पहले आती थी, सब पहला गेट फर्स्ट गेट रहता था इनका जो है, तो बहुत बढ़िया चाची जी। तो ये टाइम भाई हमारे पहाड़ों में धान बुआई का समय हो गया, चारों तरफ आपको इस टाइम पे धान बुआई करते हुए सभी दिखेंगे। पीछे की तरफ देखो गुन्नी यहाँ पे बैलों से हल लगा रहा, और नीचे की तरफ मैंने आपको दिखाया अभी कि यहाँ पे भाई साहब बैलों से हल लगा रहे हैं, उधर की तरफ जो है सतपाल भाई ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं, और नीचे की तरफ भी कोई बैलों से हल लगा रहा। तो चारों तरफ मतलब हर खेत में, हर दूसरे तीसरे खेत में आपको बैल दिखेंगे ये इस टाइम पे हल लगाते हुए। तो ट्रैक्टर और हल में यही फ़र्क है कि थोड़ा ट्रैक्टर में यही फ़ायदा हो रहा है कि ट्रैक्टर में ढिक्के नहीं आ रहे हैं, जो इसमें मिट्टी के थोड़ा जब हल नीचे जाता है तो मिट्टी के बड़े बड़े डले से आ जाते हैं उसमें ये नहीं आ रहे। और ये देखिए यहाँ पे हल से लगने से बैलों से हल लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ढिक्के आ रहे हैं, और लेकिन जहाँ दूसरी तरफ ट्रैक्टरों से हल लगा रहे तो उसमें ढिक्के नहीं आते हैं। तो लड़कियों जो औरतें हैं लेडीजें हैं उनको ढिक्के फोड़ने में वैसे दिक्कत नहीं हो रही जो ट्रैक्टर से हल लग रहा, तो उनको आसानी हो रही है इससे। ये छोटी मशीन पहाड़ों के हिसाब से ये बढ़िया है, एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, दो आदमी चाहिए होते हैं और दूसरे खेत में आसानी से जो है ले जा दिया इन्होंने। देखो इसके लिए सड़क की ज़रूरत भी नहीं है, किसी रास्तों से ही आराम से चला जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये अवतार मूवी वाला पेड़ है, देख रहे हो कितना मोटा है, और भाई साहब ऊँचा बहुत भयंकर, ये देख रहे हो कितना ऊँचा है, ऊपर ऊपर तक गया है, इसकी टहनियाँ देखो कहाँ कहाँ तक गई हैं। तो दोस्तों मैं अब सतपाल भाई और इनके खेतों से ऊपर की तरफ आ गया हूँ, और हमारे खेतों में भी ना अभी तक धान की बुआई स्टार्ट हमने करी नहीं है क्योंकि अभी हमारे बैल नहीं आए हैं, 2-3 दिन में हमारे बैल आ जाएंगे तो हम भी अपने खेतों में धान की बुआई शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। दोस्तों आजकल के मौसम का पता नहीं है, अभी जब 10 दिन पहले बारिश पड़ रही थी ना तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भाई सर्दियाँ फिर से वापस आ गई हैं, जो हमने पहले रजाई कम्बल अपने बंद करे थे वो दोबारा निकालने पड़ गए, इतनी ठंड पड़ने लग गई थी। और अभी 3-4 दिन से गर्मी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा कि भाई कितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत होने लग गई है 3-4 दिन की, ये जो कंटिन्यू धूप पड़ी है तो उस वजह से ना गर्मी बहुत होने लग गई। ये मेरे पीछे की तरफ ये देख रहे होंगे आप, ये सेमल का पेड़, इसकी बहुत बढ़िया सब्जी होती है, बेहतरीन।
लॉकडाउन में ना ये बहुत खाई गई थी इसकी सब्जियां जो है। ये देखिए पे आप कुछ ही फूल ला रहे हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ ही मेरे ख्याल से झड़ गए हैं आधे फूल या लोगों ने खा लिया। इस बारी जो है बहुत बढ़िया सब्जी होती है इसकी, बेहतरीन वाली। इसके फूल ही खाए जाते हैं, फूल के नीचे वाला हिस्सा जो है ना, बस इसमें ये दिक्कत है कि इस पेड़ पे ना कांटे होते हैं, बारीक बारीक से कांटे, इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं, वो इस पेड़ से सारे लगे हुए होते हैं, ऐसे में दिखते ही नहीं है, बहुत बारीक बारीक से होते हैं, तो इसमें आराम से जा नहीं सकते हैं। इसके बस यही है कि इसमें जाना नहीं पड़ता, इसको हम झाड़ते हैं, जैसे डंडे मार के झाड़ते रहते हैं हम, तो झाड़ के ही हम इसके सारे फूलों को नीचे गिराते हैं। तो दोस्तों जब 2020 में लॉकडाउन लगा था ना, तो उस टाइम पे एक तो सब्जियां महंगी हो गई थी और दूसरा ऊपर से आ भी नहीं रही थी, तो इसलिए जो है हम लोगों को क्या कुछ टाइम पे कुछ काम वाम भी था नहीं, तो हम सभी लड़के लोग और जो बाहर से आए हुए कुछ लोग थे, तो सभी मतलब ढूंढने निकल जाते थे सब्जी वब्जी कि भाई अपने पहाड़ों की कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने लायक है। तो ये इसकी सब्जी तो वैसे भी हम लोग खाते ही हैं, बहुत बढ़िया सब्जी होती है, बेहतरीन वाली है इसकी। और इसके साथ में ना और सब्जियां भी 2-3 सब्जियां हैं जो खाई गई थी उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे, और ऐसा नहीं कि हमने उस टाइम पे इनकी सब्जियां मजबूरी में खाई हुई, नॉर्मली वैसे भी खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे और टाइम पे ज़्यादा ध्यान रहता नहीं था उस इनकी, भाई ये सब्जियां होगी किस सीज़न में हो रही, कब हो रही है, ज़्यादा ध्यान रहता नहीं, कुछ लोगों को ध्यान रहता है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा था कि भाई ढूंढो क्या सब्जियां, मतलब कौन कौन सी सब्जियां हम खा सकते हैं। ऐसी 2-3 सब्जियां और हैं जो उस टाइम पे बहुत खाई गई थी, तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। ये पेड़ तो वाकई में बहुत भयंकर है, देख रहा हूँ, अभी मैंने आपको यही पेड़ दिखाया था, कहाँ ऊपर तक जा रहा। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ अपने दूसरी तरफ के खेतों में। इधर हमारे जो है ना जो और गेहूं के खेत हैं जो अभी पके नहीं है, हमारे इधर के गेहूं और जो लेट पकते हैं देर में, क्योंकि सही टाइम पे बारिश पड़ी भी नहीं थी, तो इस वजह से ये जो और गेहूं अभी पके भी नहीं है और बड़े भी नहीं हो रखे हैं बढ़िया ना। तो मैंने इधर की तरफ एक पेड़ देख रखा, तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ कि कौन सा दूसरा वो सब्जी थी जो उस टाइम पे हमने खाई थी, यहीं पास में ही है। ये रहा वो दूसरा वाला पेड़, ये इसका नाम टमला है, और लॉकडाउन पे ना दूसरी ये सब्जी थी जो बहुत ज़्यादा खाई गई थी। इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे लोगों ने खा भी नहीं रखे हैं ज़्यादा ये, क्योंकि बचे हुए हैं। उस टाइम पे तो भाई पेड़ के पेड़ खाली हो गए थे, इतने ज़्यादा खाए थे लोगों ने। इस टाइम पे देखो ये वाले, देखो कितने टमले लगे हुए हैं इस पे, टमले ही टमले, टमले टिंडे की तरह, जैसे आप मार्केट में टिंडे खाते हो ना उस तरह से, ये देखो ये हमारे यहाँ पे टमले होते हैं, और इसकी भी बहुत बढ़िया सब्जी होती है। अभी तो ये बड़े बड़े हो गए हैं, जब छोटे छोटे होते हैं उस टाइम पे ये बढ़िया होते होती है इसकी सब्जी। ये देखो ये अब इस पे ना बड़े बड़े हो गए, तो उसको हम जो बचपन में जब छोटे थे उस टाइम पे इसको वैसे भी बहुत खाते थे हम। इस पे सफ़ेद दूध दूध निकलता है, देखिए यहाँ पे निकल रहा, इसके अंदर की तरफ बड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है कुछ। जो छोटे जब होते हैं उसी टाइम पे इसकी सब्जी खाई जाती है, जब बड़े हो जाते हैं तब नहीं खाते हैं लोग उसको, लेकिन जब छोटे होते हैं इसकी सब्जी बहुत बेहतरीन होती है। अभी आजकल तो ये कितने आपको इस पेड़ पे ना देखो ये भरे पड़े हैं, पूरा पेड़ ना ये देखो लदे पड़े हैं इस पे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे कुछ भी नहीं दिखे थे इन पेड़ों पे, तो दिखे ही नहीं थे, सब लोगों ने खा लिए थे। तो दोस्तों आपने देखा ये टमला, इसकी सब्जी भी ना बहुत बढ़िया होती है। तो ये दो सब्जी तो मैंने आपको दिखा दी जो हमारे पहाड़ों में जो है नेचुरल सब्जी है, और इसको मतलब किसी ने उगाया नहीं है, ये अपने आप ही उगी हैं और बहुत बढ़िया सब्जी होती है इन दोनों की। तो एक दो सब्जियां और हैं, मैं आपको दिखाता हूं उन्हें, चलिए। और दोस्तों आपसे एक बात कहनी है, क्योंकि मैंने वीडियो में ना अभी आगे कैमरे के आगे आना अभी स्टार्ट किया है, और वीडियो में बहुत जगह पर बहुत गलतियाँ कर जाता हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप इस टाइम पर नज़रअंदाज कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अभी मैं बहुत सिंपल कैमरे से ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन हमारे पहाड़ों का ना व्यू बहुत अच्छा है, और आगे आप लोगों का सपोर्ट रहा साथ रहा तो मैं आगे ना आपको अच्छा कैमरा लेके और अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा अपने पहाड़ों के, क्योंकि हमारे पहाड़ों की लोकेशन ना इतनी अच्छी है, और ऐसे अगर कैमरा ठीक रहा ना तो ऐसी ऐसी व्यूज़ और ऐसे ऐसे लोकेशन मैं दिखा पाऊंगा आपको, जिसमें आपको भी खुश हो जाओगे आप भी ना। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। दोस्तों जो तीसरी सब्जी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हमारे घर पर ना कहीं से आ रखी है, तो ये देखिए ये है वो तीसरी सब्जी। इसका ना इसका नाम कोई कुरा बोलता है इसको, और कोई कुरिया बोलता है, और इसकी बहुत बढ़िया सब्जी होती है, बेहतरीन सब्जी। ये देखो ये भी एक तरह का ही फूल ही होता है, और जिसको फूल लगने से पहले ही हमने देखो ये खाते हैं इसको। तो इन सब सब्जियों में ना मुझे ये वाली सब्जी सबसे बढ़िया लगती है, जब भी ये सब्जी बनती है तो मैं 1-2 रोटी उस दिन फालतू ही खाता हूँ, इतनी अच्छी लगती है। इसके अलावा भी 1-2 सब्जी और है जो मैंने आपको दिखाई नहीं, उनके पेड़ ना यहाँ आसपास में नहीं है, दूर है, तो वो उनको कभी मैं और दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।